जब कभी हम परेड के लिए, मार्च पास के लिए या ड्रिल के लिए आते हैं, तो हम सबसे पहले विश्राम की स्थिति में खड़े होते हैं। जो कमांडर पहली कमांड देगा, वो कमांडर पहले स्वयं सावधान की स्थिति में खड़ा होगा और फिर कमांड देगा सावधान की, ठीक है ना। तो अभी ये आए हैं विश्राम की स्थिति में, देख लेंगे विश्राम की स्थिति क्या होती है। एडी से एडी यानी हिल से हिल 12 इंच की दूरी रहेगी और पंजे से पंजे 16 से 18 इंच की दूरी रहेगी। अपना जो दायां हाथ है और बायां हाथ, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर क्रॉस के अंदर रहेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बाएं हाथ का दायां हाथ का क्रॉस में रहेगा। ये स्थिति होती है विश्राम की, ये कमांड समझ लीजिए। परेड सावधान, विश्राम सावधान। अब सावधान की स्थिति देख लें। सावधान में मुट्ठी बंद और मुट्ठी बंद, अंगूठा उस सारी उंगलियों के ऊपर अंगूठा है और रिस्ट डाउन है और ये साथ में यहाँ लगी हुई है। ये पैंट की जो सिलाई होती है, सिलाई के जस्ट पीछे ये हाथ रहेगा और एकदम स्ट्रेट स्थिति में रहेगा। चेहरा छाती सामने और चेहरा बिल्कुल सामने रहेगा और नज़र हमेशा सीधी रहेगी। ये होती है हमारी सावधान की स्थिति। सावधान की स्थिति में हिल से हिल कोई गैप नहीं होगा और पंजे से पंजे 6 इंच की दूरी होगी और 45 डिग्री का कोण बनाया हुआ होगा, ठीक है ना। पेट के सबके लिए सावधान, सावधान। सावधान की स्थिति में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हमारा पांव उठता है तो एक तो लेफ्ट पांव यानी हमारा बायां पांव उठता है और दूसरा है कि हम अपने बेल्ट के लेवल पे लेके आते हैं पांव को, उसके बाद में साइड में रखते हैं, ठीक है, और फिर वापस सामने लेके आते हैं और वापस नीचे रखते हैं। विश्राम की स्थिति एक और देख लें कि अपने जो शोल्डर है उसी के लेवल पर रखना है, उससे बाहर नहीं निकालना पांव को। ये सोचें ब्रेड सावधान, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, सावधान। अब हमारी अगली कार्रवाई होगी कदम ताल की। ये जितनी भी कार्रवाई होगी वो लेफ्ट पांव से शुरू होगी यानी कि अपना बाएं पांव से शुरू होगी और बाएं पांव पे ख़त्म होगी। ये देख लें कि जो कदम ताल की जो स्थिति जो शुरुआत होगी वो सावधान की स्थिति में होगी, विश्राम की स्थिति में नहीं होगी। और एक बीच में ये पॉइंट कि सावधान और विश्राम दोनों ही एक सावधान की पोजीशन है और उसके अंदर ही किया जाता है। अगर विश्राम में अगर आराम से बोल दिया जाता है तब रिलैक्स किया जाता है। अब हम यहाँ से हम करेंगे कदम ताल की स्थिति। प्रेज सब एक साथ कदम ताल शुरू करेंगे। शुरू कर, एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। प्रेज थम खाली एक दो। जब हमने यहाँ पे स्टॉप करने की कोशिश किया, थम करने की कोशिश की, तो उसमें सबसे पहला आएगा हम अपने बाएं पांव पे कमांड दिए प्रेज थम, तो एक खाली एक दो, ये होती है थम की कार्रवाई। अब हम यहाँ से चलेंगे, हमारे तेज चल की कार्रवाई होगी। तेज चल की पहली पोजीशन देखेंगे हम, ठीक है ना। प्रेड सामने से एक पॉइंट लेगा, तेज चल एक, ये स्थिति है। शोल्डर के लेवल पे हाथ रहेगा, ना हाथ ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, ना आगे ना पीछे, स्ट्रेट और उतना ही हाथ पीछे। यानी कि हमने सबसे पहले अपना बायां पांव निकाला आगे की तरफ और दायां हाथ आगे की तरफ और बायां हाथ पीछे की तरफ, इसी की तरह बराबर सीधी एक लाइन रहेगी। और ये पहली कदम का जो स्टेप लेंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, एक छोटा मिनिमम स्टेप। हाँ, ये जरूर याद रखें कि अपनी हिल मिली हुई होनी चाहिए और टोस खींचे हुए होने चाहिए। यहाँ पे हल्का सा दर्द होगा तब आप जान लें कि प्रेड थोड़ी सही हो रही है, ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं लेके लगे, ठीक है। अपनी स्थिति में वापस आएंगे। प्रेड विश्राम सावधान, विश्राम सावधान। प्रेड सामने से तेज चल, एक दो एक, एक दो एक। प्रेड पीछे मुड़ खाली, एक दो तीन चार शूट गुड। प्रेड थम खाली, एक दो पीछे मुड़। प्रेड सामने से तेज चल, एक प्रेड थम खाली, एक दो विश्राम। पॉज कर दें।